व्यवस्था विवरण अध्याय 16 व्यवस्था विवरण अध्याय 16 आबिब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि आबिब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी, जो दुख की रोटी है, खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकलता था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का जीव दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक मेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए, और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करके उसके मांस में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, भूंज कर खाना। फिर बिहान को उठकर अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 अठवारे गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देना। 8वारों नाम पर्व मनाना, और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो, और जो जो परदेशी और अनाथ और विधवा तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करे। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। तू जब अपने खलिहान और ताक मधु के कुंड में से कुछ इकट्ठा करके चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना, और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटियों बेटे दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करे। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मान्य रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व और 8वारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए, और देखो छूछे हाथ परमेश्वर के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और अपने अपने आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो, दिया करे। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न्याय न बिगाड़ना। तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है, उसी का पीछा पकड़े रहना।
जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसका अधिकारी बना रहे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उसे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है।